मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 12 के बच्चे इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे अध्याय 7 का एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। आज पढ़ेंगे अध्याय 7 का एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। अब आता है विजयनगर क्या है, तो विजयनगर में आप लोग जानते हैं जो जीता गया नगर, इसका तो अर्थ यही होता है जीता गया नगर को ही विजयनगर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विजयनगर एक राज्य था, अर्थात विजयनगर का नाम एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। विजयनगर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अगर आप लोग जाने तो 14वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी? 14वीं शताब्दी। विजयनगर राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने विकास के चरम पर यह साम्राज्य जब स्थापित हुआ तब अपने विकास के चरम पर था, अर्थात इसका विकास बहुत अधिक हो गया था। और अपने विकास के चरम पर यह साम्राज्य कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण के दक्कन प्रदेश तक फैला हुआ था, यानी दक्षिण दक्कन के पठारी भाग की बात हो रही है। यह कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण के दक्कन के विस्तृत क्षेत्र तक यह फैला हुआ था। सन 1556 में विजयनगर पर आक्रमण कर इसको लूट लिया गया। सन 1565 में आप लोग देखेंगे तो इस नगर को पर आक्रमण करके यहाँ तक कि इस नगर पर बाहरी राज्यों को लोग संयुक्त सेनाएं आक्रमण करके इसको लूट ली और इसको तहस नहस कर दिया। बाद में यह उजाड़ दिया गया और यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दुआब के क्षेत्र के निवासियों की जो स्मृतियों में यह जीवित रहा, अर्थात बहुत दिन तक जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दुआब के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं इसको अपने यादों में इसको संयोजे रखे, सजाए रखे। इन्होंने इसे हम्पी नाम से स्मरण रखा। कौन नाम था? हम्पी। इस राज्य को लोग हम्पी नाम से स्मरण रखे थे। अब आता है हम्पी की खोज। हम्पी की खोज एक अंग्रेज थे कर्नल कालीन मैकेंजी। क्या नाम है? कर्नल कालीन मैकेंजी। ये कर्नल कालीन मैकेंजी क्या थे? ये इंजीनियर थे जिसे अभियंता कहा जाता है, तथा पुरातत्वविद भी थे, अर्थात पुरातत्व ज्ञाता भी थे। इनके द्वारा हम्पी के भग्नावशेष क्या है, जब हम्पी को लूट लिया गया उसके बाद वो खंडहर में बदल गया उसकी राजधानी, उसी को भग्नावशेष कहते हैं। भग्नावशेषों को 1800 ईस्वी में खोजा गया 1800 ईस्वी। कर्णकालीन मैकेंजी द्वारा हम्पी के भग्नावशेषों को 1800 ईस्वी में खोजा गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत है। कौन? एक कर्णकालीन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे।
इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र द्वारा तैयार किया गया। हम्पी के नगर और साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण अगर देखा जाए तो इनका प्रयास इतिहासकारों ने इस स्रोतों अर्थात विदेशी यात्रियों के स्रोत, विदेशी या वृत्तांतों के स्रोत तथा तेलुगु और कन्नड़ और संस्कृत में लिखे हुए साहित्यों के से मिलान कर दिया। यानी का देखा जाए तो हम्पी की खोज तो 1800 ईस्वी में कर्नल कालीन मैकेंजी द्वारा किया गया था। भग्नावशेष जो मिले इसे अनुमान लगाया गया। उसके साथ साथ देखा जाए तो इस हम्पी की खोज को अर्थात विदेशी यात्री या अंग्रेज लोग, या अंग्रेज तो बाद ही में आए, अंग्रेज लोग तो उसकी खोज की, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत द्वारा या मानचित्रों द्वारा या जो साहित्य था कौन, तेलुगु और कन्नड़, कौन था तमिल तेलुगु और कन्नड़ और उसके साथ संस्कृत साहित्य को सभी को मिलाकर इस हम्पी की खोज की गई। अब हम्पी की खोज करने के बाद तभी मालूम हुआ कि यही जो एक साम्राज्य था जिसका नाम था विजयनगर। अब आता है आपका अगला टॉपिक राय नायक और सुल्तान। राय नायक और सुल्तान, राय नायक क्या है अगला टॉपिक है राय नायक और सुल्तान। विजयनगर की अगर देखा जाए साम्राज्य की स्थापना 1836 में, विजयनगर राज्य की स्थापना 1836 ईस्वी में दो भाइयों द्वारा की गई, जिसमें एक थे हरिहर और दूसरे थे गुप्ता। विजयनगर राज्य की स्थापना 1836 ईस्वी में हरिहर और गुप्ता नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर के शासकों ने अपनी उत्तरी सीमाओं पर अपने समकालीन राजाओं जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गणपत शासक शामिल थे, इनसे संबंध स्थापित किया था और इन्होंने तीसरा और तुंगभद्रा नदी की घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। कौन, यहाँ विजयनगर के जो राज्य थे, जो इसके क्षेत्र थे, वो तीसरा और तुंगभद्रा, वहाँ पे दो नदियाँ के बीच के जो भूभाग हैं वे अधिक उपजाऊ क्षेत्र थे। उसको प्राप्त करने के लिए अगर देखा गया तो दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गणपत हमेशा इन लोगों से संघर्ष करते थे, पराजित भी हो जाते थे। बाद में देखा गया विजयनगर राज्य के कई भागों में पहले कई प्रभावशाली राज्य थे। जब विजयनगर राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, इसके पहले देखा गया तो इस राज्य के क्षेत्रों में इसके पहले विजयनगर राज्य की स्थापना के पहले और भी प्रभावशाली राज्य थे, जिनमें तमिलनाडु के चोल, तमिलनाडु में किस वंश के थे, चोल वंश, ये चोल थे। और कर्नाटक के होयसल, कौन थे, होयसल। विजयनगर के चोल और कर्नाटक के होयसल ये क्या थे, होयसल ने राज्य के विकास को देखा था, अर्थात ये लोग अपने राज्य के विकास किए थे। अर्थात विजयनगर की स्थापना के पहले जब चोल वंश और होयसल थे, यानी चोल शासक और होयसल थे, तो विजयनगर अपने चरम पर भी था, ये कहने का अर्थ है। इसके विकास को देखा था इस क्षेत्र के शासक ने
विशाल मंदिर बनवाए थे। इस देश के शासन ने विशाल मंदिर बनवाए थे, जिसमें आप लोगों को देखा जाएगा तो तंजावुर का क्या है, बृहदेश्वर का मंदिर और बेलूर का चंद केशव का मंदिर। और इस प्रकार देखा जाए तो विजयनगर के और भी मंदिर, विजयनगर में और भी मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिसमें बृहदेश्वर का मंदिर और चंद केशव का मंदिर प्रमुख रूप से था। अब आता है राज्य के चरमोत्कर्ष का पतन। यहां लिख रहा है राज्य का पतन। अगला टॉपिक है राज्य का पतन, अर्थात राज्य के चरमोत्कर्ष का पतन। विजयनगर के क्षेत्र में काबिज प्रथम राजवंश था संगम। कौन था? संगम। राज्य के अगर काबिज क्षेत्र विजयनगर पर अगर जिनका अधिकार था, पहला वो शासक थे संगम वंश था। यह वंश 1885 ईस्वी तक सत्ता में था, यानी इसी के सत्ता में ये विजयनगर था, इसके संगम बन सके। उसके बाद ये अपनी पकड़ बनाए हुए थे। इसके बाद आता है तूलव वंश। इसके बाद तूलव वंश की सत्ता स्थापित हो गई। तूलव वंश के शासकों ने विजयनगर पर अपनी सत्ता को स्थापित किया। और देखा जाए कृष्णदेव राय को अगर देखा जाए तो तूलव वंश के ही थे, जो विजयनगर के सबसे महान शासक थे। विजयनगर के जो सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय का आप लोग नाम जानते होंगे, ये तूलव वंश के थे। अब आता है कृष्णदेव राय के मृत्यु के पश्चात, अर्थात कृष्णदेव राय की जब मृत्यु हुई उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों को विदेशी कर विद्रोही और सेनानायकों से, विद्रोही सेनानायक और उनके जो सगे संबंधी थे उनसे संघर्ष करना पड़ा। अर्थात 1542 ईस्वी में इसका नियंत्रण राजकीय वंश के पास आ गया। किसके वंश? राजकीय वंश। कृष्णदेव राय के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को अत्यधिक संघर्ष का सामना करना पड़ा और वे लोग पराजित हुए। उसके बाद राजकीय वंश उभर कर सामने आया और जिसमें अराबिद के हाथों में चला गया। राजकीय वंश का शासक था अराबिद। इसके हाथ में ये शासन चला गया। उसके बाद अराबिद के बाद अगर देखा जाए तो 1500 अराबिद के हाथ में चला गया। अराबिद का जो शासक था, अराबिद तो राजकीय वंश का शासक था, लेकिन इसका जो महामंत्री था, इसी वही महामंत्री जो है इस पूरे राज्य को अपने नेतृत्व में रखकर देखता था। 1565 की बात कहा जाए
1565 ईस्वी में आप लोग जानते होंगे कि विजयनगर का जो अरबी का जो महामंत्री था वह उसकी सेना और उसके बाद आप लोग ये जानते होंगे गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर। कौन कौन है? पहले बीजापुर, गोलकुंडा, और अहमदनगर। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर इन तीनों राज्यों की सेनाएं जो संयुक्त सेना थी, ये जो तीनों राज्य की जो ये तीनों लोग अपने में संयुक्त होकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिए, जिसमें विजयनगर का जो आबूर का महामंत्री था वो अपनी सेना को लेकर पराजित हुआ और बाद में ये लोग विजयनगर को लूटने के बाद इसको ताश नाश कर दिया और इसको उजाड़ दिया, अर्थात पूरा विजयनगर समाप्त ही हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो विजयनगर का अस्तित्व 1565 ईस्वी में समाप्त हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो इस युद्ध को हम तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। ये जो युद्ध हुआ था ये तालीकोटा के युद्ध से प्रसिद्ध है, जिसे हम राजसी तागड़ी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन राजसी तागड़ी कहेंगे बहुत लोग नहीं जानेंगे, इसलिए हम तालीकोटा का युद्ध। यह तालीकोटा का युद्ध हुआ था जो 1565 ईस्वी में इतिहास में यह वर्णित है। अब आता है अगला टॉपिक राय और माया। राय कौन थे? जो राजा थे उन्हें राय कहा जाता था, आप लोग जानते हैं कृष्ण देव राय नाम से ही मालूम होता है। राय और नायक उसे कहते थे जो इनको कुछ क्षेत्र दिए जाते थे, उनका ये नेतृत्व करते थे और इनको सैन्य बल मिलता था, अश्व बल साथ में रहता था, सैनिक भी रहते थे और कुछ भूभाग मिला रहता था, उसी पर एक आदमी रहते थे। सेना प्रमुखों द्वारा साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग किया जाता था। सेना प्रमुखों द्वारा राज्य में शक्ति का प्रयोग किया जाता था। ये सेना प्रमुख जिन्हें नायक कहते थे, सेना प्रमुख को ही क्या कहा जाता था? नायक। जो सेना प्रमुख होता था वही नायक होता था। सेना प्रमुख को नायक कहा जाता था। एक प्रायः किलों पर नियंत्रण रखते थे। जो किले होते थे, जो दुर्ग होते थे, उन पर इन्हीं सेना प्रमुखों का नियंत्रण होता था। इसके पास सशस्त्र समर्थक होते थे, वही कह रहे हैं सैन्य बल इनके साथ था और ये प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण भी किया करते थे। नायक प्रायः तेलुगु और कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते थे। कौन कौन? तेलुगु और कन्नड़। तेलुगु और कन्नड़ भाषा का प्रयोग नायक लोग किया करते थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। अब अमर नायक कौन थे? अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राज द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। ये राजस्व के कुछ भाग व्यक्तिगत रूप में प्रयोग करते थे और कुछ और उपहार स्वरूप
वर्ष बाद ये अपने राजा को भेंट दिया करते थे। इनके पास सैन्य दल भी रहता था और इन्हीं सैन्य दलों से विजयनगर के का इस संरक्षण का कार्य करते थे। इस प्रकार इन सेनानायकों के पास एक शक्ति थी, एक सामर्थ्य था, अर्थात सैन्य बल का सामर्थ्य। अमर सेनानायक राजा को प्रत्येक वर्ष में एक बार उपहार स्वरूप भेंट देते थे। कभी कभी नायकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल दिया जाता था। इसका अर्थ क्या है, अर्थात अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नायक सेना प्रमुख होते थे। उनमें जो अमर नायक होते थे उनको अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे एक अमर नायक दूसरे जगह से हटा करके दूसरे अमर नायक का जगह लेता था और दूसरा अमर नायक दूसरे अमर नायक की जगह लेते थे, अर्थात उनको हस्तांतरित किया जाता था। पद वही रहता था, स्थान बदल दिया जाता था। लेकिन 17वीं शताब्दी में कई नायक स्वतंत्र हो गए। क्यों? क्योंकि इनके पास सैन्य बल था, उन्हीं सैन्य बल का प्रयोग करके अपने को स्वतंत्र कर लिए और उस क्षेत्र पर काबिज हो गए, उस क्षेत्र पर अपनी सत्ता जमा लिए, अर्थात वह क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया तथा स्वतंत्र राज्य स्थापित करके वे उस राज्य के उस जगह के राजा हो गए। इस प्रकार एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर का जो एक पहला भाग का वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले भाग का वीडियो अगले दिन बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।